अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। और कैसे हैं आप सब? तो आज मैं मेरे चैनल पे बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल कढ़ी भजिए। ये गर्मी में तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ आज, और इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो भी हम देखते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, समर स्पेशल ठंडी ठंडी कढ़ी बना के हम खाएंगे। ये मेरा तरीका है फ्रेंड्स कढ़ी बनाने का, बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। तो चलिए मेरे तरीके से कढ़ी कैसे बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दही लगेगा। मैंने 300 ग्राम दही ले लिया है फ्रेंड्स। मैंने बेसन ले लिया है फ्रेंड्स, बेसन मैंने डेढ़ चम्मच लिया है, जो मेरा चम्मच है ये मैंने डेढ़ चम्मच बेसन ले लिया है फ्रेंड्स। नमक ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले लिया है फ्रेंड्स। 1/2 टेबल स्पून मैंने शक्कर ले लिया फ्रेंड्स, क्योंकि कढ़ी थोड़ी तीखी और मीठी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और कढ़ी के मसाले के लिए मैंने थोड़ी सी कोथमीर ली है, 4 से 5 हरी मिर्च ले ली, और एक छोटा सा गीला जो नारियल होता है ना खोपरा, उसका छोटा सा पीस ले लिया, उसे कट कर दिया है फ्रेंड्स। और कढ़ी के तड़के के लिए मैंने लिया है थोड़ी राई, मैंने प्याज ले लिए फ्रेंड्स, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी उसको पतली कट कर लिया है, और ये 3 मैंने रेड चिली ले लिए फ्रेंड्स। इससे हम एंड में कढ़ी को जो है वो तड़का देंगे फ्रेंड्स। तो कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए, अब देखते हैं पकौड़े के लिए हमें क्या क्या लगेगा फ्रेंड्स। पकोड़ा बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिए फ्रेंड्स, ये 3 प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ के, इसे मैंने ऐसे लंबा लंबा और पतला कट कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो बारीक कट कर सकते हो, बट आप ऐसे ट्राई करो तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके जो पकोड़े हैं कढ़ी के अंदर के। ये मैंने प्याज ले लिए 3, थोड़ी सी कोथमीर जो है मैंने चॉप करके ले लिए। 1 बाउल मैंने बेसन ले लिया, ये पकोड़े के लिए, इसके पहले जो बेसन दिखाया था वो सिर्फ कढ़ी के लिए था फ्रेंड्स, वो उसका मेजरमेंट उतना है। और पकोड़े के लिए इसमें से हम जितना हमें ज़रूरत है उतना डालेंगे हम। मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है फ्रेंड्स, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सिर्फ ये ग्रीन चिली है, इसको पीस लिया है। और इसमें हमारे मसाले जाएंगे, मैंने नमक ले लिया है फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून लिया, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। हल्दी का पाउडर ले लिया है फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा ले लिया है, अजवाइन ले ली है, ज़ीरा ले लिया है, और ये धनिया का पाउडर ले लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ी बनाने के लिए मैंने मिक्सर का जार ले लिया, पहले उसका मसाला हम जो है पीस के ले लेंगे। ये जो हमने मसाला निकाला था कोथमीर खोपरा और हरी मिर्ची, ये हम लोग सब एक साथ मिक्स कर देंगे, और इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ हमें कैसा इसका मिक्सचर चाहिए, तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक बार मिक्सर में इसको पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एकदम थोड़ा सा, और इसको और एक बार पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला पीस कर एकदम रेडी है। मैंने ना इसको ज़्यादा नहीं पीसा है, थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा ही रखा है। तो चलिए अब हम पहले कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पिसा हुआ मसाला है इसको हम अभी पहले साइड में रख देते हैं, ओके। तो अभी हम हमारा कढ़ी का बैटर रेडी करते हैं फ्रेंड्स। कढ़ी के बैटर के लिए, तो कढ़ी के बैटर के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दही है ये हम एक बड़े बाउल में ले लेंगे, ठीक है। इसमें आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हो फ्रेंड्स, बट क्या है ना कि कढ़ी अगर आप ज़्यादा तीखी बनाओगे तो वैसा उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले क्या कर लेंगे हम, ये जो दही है हमारा इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये जो हमारा विस्कर है उसके हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से विक्स कर लेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें बेसन का आटा डालोगे तो फिर इसके जो वो अच्छे से इस ये नहीं होगा, फेटे नहीं जाएगा, और ऐसे उसके गाढ़ गाढ़ जो होते हैं ना दही के जो, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसका टेस्ट। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी,
ये जो मैंने शक्कर ली थी फ्रेंड्स, ये मैं इसमें पूरी ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो नमक है फ्रेंड्स, इसमें पहले थोड़ा ही ऐड करूँगी, सिर्फ हाफ स्पून उतना, ठीक है। अब मैं इसे वापस से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हमारा जो बेसन का आटा है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो 1.5 चम्मच लिया था मैंने। हमें बेसन का आटा थोड़ा ही लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा लोगे तो कड़ी का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, मिक्स कर दिया है, जो भी आप कहना चाहें, विस्क कर दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा हल्दी पाउडर है ये ऐड कर दूँगी, इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी, ठीक है। ये तो हल्दी कुक हो जाएगी इसमें। अभी क्या करेंगे, ये जो दही का बाउल था उसमें मैंने पानी डाल दिया था, और इसे हम अभी क्या करेंगे, अच्छे से पानी डालकर भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमें हमारी कड़ी कुक करनी है उसमें हम ये वाला बैटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। देखो कड़ी की कंसिस्टेंसी तो आप अपने हिसाब से रखते हो, कोई ज़्यादा थिक पसंद करता है, कोई थोड़ी सी पतली बनाता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो बाउल है, मैंने ऑलरेडी एक बाउल इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब एक और बाउल में इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कड़ी का बैटर रेडी है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं, इसे कुक करेंगे। इसे कुक करने से पहले ये जो हमारे पकोड़े हैं इसका मिक्सचर हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो ये जो मैंने प्याज ली है, इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो कोथमीर है पूरी ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, कोथमीर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो मैंने सारे मसाले आपको बताए थे सूखे, ये सब ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हरी मिर्ची का पेस्ट, इसमें भी आप हरी मिर्ची का पेस्ट आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, फिर भी मैं कहूँगी कि कड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो बी केयरफुल, ज़्यादा तीखी नहीं बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो बेसन लिया था हमने, पहले इसमें हाफ ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसे मिक्स करेंगे, फिर अगर और बेसन हमें चाहिए होगा तो हम और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और पहले अच्छे से हमें सब मिक्स कर देना है, उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए अभी हमें बेसन और लगेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें और थोड़ा, या तो फिर ये जितना बचा हुआ है वो बेसन हम ऐड कर लेंगे। अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। नमक वगैरह आप जब पूरा मिक्स करके रखोगे तब टेस्ट कर लेना इसमें से। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है फ्रेंड्स। देखिए एकदम पानी नहीं ऐड करना है हमें, ओके। आप देख सकते हैं क्योंकि प्याज को जो है वो मॉइस्चर होता है ना प्याज में, तो वो पानी छोड़ती है, इसके लिए हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और हमारे 3 प्याज के लिए उतना एक बाउल बेसन इनफ है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा बेसन ऐड करोगे तो सिर्फ मुंह में बेसन बेसन ही लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। और ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो हम प्याज कट करते हैं ना, अगर ऐसी प्याज है आप लोग देख सकते हैं, तो इसे खोलने का ट्राई कीजिएगा, ऐसे सिंगल सिंगल सब अलग हो जानी चाहिए प्याज। तो कैसा होगा जब हम उसके पकोड़े बनाएंगे, तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पकोड़े का बैटर रेडी है, और इतने बैटर के लिए मुझे एक छोटा कप पानी की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट करती हूँ, नमक वगैरह एकदम बराबर है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम अब साइड में रख देंगे, और हम पहले अपनी कड़ी को
कुक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स कढ़ी को अभी हमें कुक करने के लिए रख देना है। मैंने ये जो कढ़ाई है इसको गर्म होने के लिए रख दिया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि नीचे बेसन वगैरह कुछ ना बैठे, ठीक है। तो अभी हमें एक जब इसको बॉईल आ जाएगा तब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हमें इसमें पानी ऐड करना होगा तो हम पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या करना है, हमने जब ये कुक होने के लिए रख दिया है तो हमने जो ये मसाला बनाया था ना फ्रेंड्स, ये हमें इसमें ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाह। आप चाहो तो सिर्फ मिर्ची और कोथमीर का भी मसाला बना के इसमें ऐड कर सकते हो, बट अगर गीला खोपरा आप यूज़ करोगे तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये जो हमारा नमक जो बचा हुआ था वो ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसे बॉईल आने के लिए हम इसका वेट करेंगे। और मैंने ये जो मसाले का बर्तन था इसमें पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी कुक होगी फ्रेंड्स तो और ज़्यादा थिक होगी वो। तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ी को जो है बॉईल आ चुका है, ठीक है। 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स कढ़ी को बॉईल आने के लिए। अभी ये हमारी कढ़ी को बॉईल आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी साइड हमारे पकोड़े फ्राई करके ले लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं अब क्या करना है, जब बॉईल आएगा ना फ्रेंड्स गैस हमें लो कर देना है और कढ़ी को ढककर नहीं पकाना है, कढ़ी को ऐसे ओपन ही रखना है और ध्यान देना है, हमें छोड़ नहीं देना है, ठीक है। इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए सिर्फ कुक करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, ठीक है। जब तक हमारी कढ़ी कुक होती है, ये मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। तो जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकौड़े फ्राई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। इसमें देखिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, मैंने फास्ट पे रख के इसको गर्म करा था फ्रेंड्स, अभी मैंने गैस जो है वो स्लो कर दिया है। अब आप तो अब आप ये जो हमारा बैटर है आप जैसे चाहो वैसे इसके पकोड़े डाल सकते हो। मैं थोड़े से इसे फ्लैट में डालती हूँ। इस स्टेज पे गैस हमें लो ही रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, जब तक हम इसमें सारे पकोड़े ऐड कर देंगे, सारे मतलब जितने हम से कढ़ाई में बैठते हैं उतने, ठीक है। एक एक करिए और डालिए, बी केयरफुल फ्रेंड्स डालते हुए। फ्रेंड्स कढ़ी हमारे घर में समर में बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत पसंद आती है सबको। तो अब मैंने गैस लो किया था जब मैं पकोड़े ऐड कर रही थी, अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पकोड़े हैं फ्राई हुए फ्रेंड्स, ये देखिए जब नीचे से कुक हो जाएंगे ना फ्रेंड्स अपने आप वो छूटने लगते हैं नीचे से। और यहाँ पे हमारी कढ़ी भी रेडी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे से ब्राउन हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है क्योंकि मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है, अच्छा खासा गर्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप खड़े हो कढ़ी के पास तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर सकते हो और इसे हिलाते रहिएगा फ्रेंड्स। और कढ़ी जो है फ्रेंड्स अगर आप अभी देख सकते हो मेरी कढ़ी, अगर इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है, जब ये ठंडी हो जाएगी
कोल्ड हो जाएगी, थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और बेसन को कुक होने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसके लिए जब हम उसको बॉईल आता है उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम उसका बंद कर देंगे। तो देखिए साथों साथ मेरे पकौड़े भी रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छे से ब्राउन करना है फ्रेंड्स, वरना अंदर से कच्चापन रह जाएगा। कढ़ी जब हमारी कुक होने लगेगी वो स्टेज पे आप इसमें नमक और शुगर शक्कर दोनों भी चेक कर सकते हो, बिकॉज शुगर भी इक्वली मतलब उतना उसमें मिठास आनी चाहिए फ्रेंड्स, ना ही सिर्फ ये तीखी लगनी चाहिए, हमें दोनों भी इक्वल चाहिए, खट्टापन और मीठापन दोनों भी चाहिए इसमें। ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया है, मेरी कढ़ी एकदम परफेक्ट है, तीखी भी है और मीठी भी है। और ये हमारे पकौड़े भी रेडी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पकौड़े हम इसमें अभी नहीं ऐड करेंगे, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने देंगे, फिर डायरेक्ट कढ़ी में ऐड करेंगे। और अब मैं मेरे दूसरे पकौड़े भी ऐड कर देती हूँ इसमें फ्राई के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम पूरे जो पकौड़े हैं वो फ्राई करके ले लेंगे फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं तेल जो है मेरा गर्मी है, अभी भी मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। आप गैस का फ्लेम अपने हिसाब से कर लो, पर जितना हो सके मीडियम पे रख के कुक करना, या तो फास्ट पे। अगर एकदम लो पे ऐसे कुक करोगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे आपके पकोड़े। सिर्फ जब हम इसमें तेल में ऐड करते हैं पकोड़े तभी गैस का फ्लेम लो कीजिएगा। मैंने अभी हाई कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पकोड़े रेडी है, मैंने थोड़े से रख दिए। तो देखिए ये पकोड़े हमारे रेडी है, कढ़ी में डालने के लिए हमें काफ़ी है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, कढ़ी जो हमारी है वो कुक हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थिक भी हो चुकी है। अब हम इसका जो है तड़का रेडी करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कढ़ी को तड़का देने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, और मैंने ऑयल जो मैंने पकौड़े फ्राई किए थे वही ऑयल ले लिया है। मैंने गैस का फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है फ्रेंड्स, ये तो ऑयल गर्म ही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने प्याज कट की थी फ्रेंड्स ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब प्याज को क्या करना है, हमें जैसे हम बिरिस्ते के लिए प्याज फ्राई करते हैं वैसे हमें इसे फ्राई करके ले लेना है। हमारी कढ़ी भी कुक हो रही है, कढ़ी का गैस जो है मैं बंद कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो प्याज है आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी राई और मिर्च है वो डाल देंगे। गैस को बंद कर दीजिएगा, और थोड़ा सा इसे, ये हमारा तड़का रेडी है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे इसे ये कढ़ी में ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कढ़ी रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कढ़ी एकदम रेडी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पकोड़े हैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप चाहो तो ऐसी कढ़ी रख के ऊपर से मतलब पकोड़े के ऊपर भी डाल के खा सकते हो, बट आप अगर ऐसे खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका आएगा। तो मेरी कढ़ी पूरी तरह से रेडी है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी से हम सर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं सर्व करती हूँ अभी। पहले ये जो पकोड़े हैं इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितनी यम लग रही है फ्रेंड्स। और गर्मियों में कढ़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।